हॉवरबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो कि एक मेड इन इंडिया हॉवरबोर्ड है, मेड इन चाइना हॉवरबोर्ड नहीं है। तो चलिए हम जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हॉवरबोर्ड आ चुका है, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने वाले हैं। चलिए हम आपको इसे ऊपर से दिखाते हैं। इसकी कॉस्टिंग हमें अप्रॉक्स 20,000 रुपीज पड़ी थी, जिसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके साथ हमें कैरी बैग मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं इसमें आपको इसका चार्जर रखने के लिए या फिर बॉटल रखने के लिए भी एक स्पेस दिया जाता है, देख सकते हैं आप। और ये हमें इसका एक चार्जर मिल जाता है, 3 पिन चार्जर है, आप देख सकते हैं। इससे 2 आवर्स के अंदर आपका ओवरबोर्ड इतना चार्ज हो जाएगा कि आप इसे आराम से 3 या 4 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये यूबोर्ड का ओवरबोर्ड, जो कि मेड इन इंडिया है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच दे रखा है ऑन करने के लिए, और ये चार्जिंग पोर्ट है। चलिए इसे ऑन करते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी है। The Bluetooth device is connected successfully. और ये ऑटो बैलेंसिंग है, ये आप देख सकते हैं बैलेंस का सही है। बैलेंस बिगड़ गया, मैं इसे एक बार दबाऊंगा फिर बैलेंस हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ, ऐसे कर देंगे। जैसे ही ऑन करूंगा तो The Bluetooth device is ready to pair. आप देख सकते हैं ये इसका बैटरी है। The Bluetooth device is connected successfully. तो आप देख सकते हैं ये भी फुल दिखा रहा है, मतलब बैटरी फुल है अभी। और इसकी साइड में भी लाइट दे रखी है, उठाती ऑफ हो गई, देखिए जल गई, ये ऑफ हो गई लाइट्स, क्योंकि मैंने इसे उठा लिया था। तो इसका बैलेंस ये आप देख सकते हैं, बैलेंस बिगड़ने का साइन आ जाता है, नॉर्मल हो गया, रखते ही अपने आप। तो चलिए अब इसे चला के देखते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मली पैर रख देंगे तो ऐसे ऐसे आगे पीछे होने लगता है, तो ऐसे नहीं करना है। पहले आपको इस पर कस के पैर रख देना है, जिससे थोड़ी देर में इसके ब्रेक लग जाएंगे। उसके बाद आपको अपना दूसरा पैर इस पर रख देना है, जिससे बैलेंस हो जाएगा। और ये आपको नहीं गिराता है, तो आपको मतलब अपनी ऊपर की बॉडी बैलेंस रखनी पड़ती है, बाकी ये खुद बैलेंस कर लेता है सब। तो आप देख सकते हैं आराम से 360 भी घूम सकता है। इसको चलाने के लिए आपको बस इसके जो आपको दोनों पैरल्स टाइप के दिखते हैं, इसको ऐसे ऊपर नीचे करना होता है। अगर आप ये दबाएंगे ऐसे तो लेफ्ट में जाएगा, और ये दबाएंगे तो राइट में जाएगा, और दोनों एक साथ दबाएंगे तो 360 घूमता है, और दोनों एक साथ आगे को दबाएंगे तो फिर ये सीधा जाता है, और पीछे दबाएंगे तो पीछे खड़ा हो गया। फिर मैंने ये दोनों एक साथ दबाए तो ये गोल गोल घूमता है। और अब मैं इसको पीछे करने के लिए दोनों पीछे ऐसे दबाऊंगा, आगे करने के लिए ऐसे। आप देख सकते हैं ऐसे, तो आप आराम से, बहुत इजी टू ऑपरेट है, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उससे पहले हम आपको इसे कैरी बैग में रख के दिखाते हैं। इसके साथ आया था, आप देख सकते हैं ये इसका कैरी बैग, ऐसे ऑफ करके ये देख सकते हैं आप, जिप लगी हुई है, ऐसे खोल देना है। इसके बाद आप इसको ऐसे, इसका वेट अप्रॉक्स 5 kg है, ये अच्छा खासा भारी है। तो आप कैरी बैग में रख के कैरी कर सकेंगे, वैसे इसमें हैंडल दे रखा है, ऐसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन कैरी बैग में साफ रहेगा। और देख सकते हैं कितने आराम से कैरी कर सकते हैं। और ये इसका आप यहाँ पे या तो चार्जर रख लें, जो लेना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए अभी तो नहीं है चार्जर, इसको अच्छे से खोल के रख पाएंगे। You found me on my floor, pussy, I want.